ना 100% कॉन्फिडेंट है इस बार हम लोग का जीत होगा। जितिन मंत्री है वो लोगों का लीडर जैसे नहीं लगता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दो बार एमएलए जरूर बनाया गलती से, मतलब हमने छोड़ दिया कि पब्लिक को आप लोग उसको टेस्ट करके देखो हमको छोड़ के, तो अभी हमारा पब्लिक ने रियलाइज हो गया कि तानी लोफा ही अच्छा आदमी है। नमस्कार दर्शकों, मैं सरस्वती का आप सभी का अरुणाचल एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं पाकुटी के सामान्य मैदान में, जहाँ इस बार के 11वीं वेस्ट सेपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुनाव में श्री तानी लोफा नेरी जी के उम्मीदवार घोषणा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। पूरी प्रतिवेदन के लिए बने रहे अरुणाचल एक्सप्रेस के साथ, धन्यवाद। डिक्लेरेशन कर लिया तो सर आप कौन सा टिकट पार्टी से आएंगे सर? अभी डिसाइड नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट तो नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगा। वही अभी हम डिक्लेरेशन से पहले और डिक्लेरेशन का बाद भी बोला है ना, मेरा तो शुरू से बोला मैं रोड कम्युनिकेशन को, अभी हम जितना रास्ता बनाया उसका हम बी, अभी सी रोड है, सी ग्रेड करो तो बी के लिए कोशिश करूंगा, जो क्योंकि डेवलप स्टार्ट फ्रॉम द रोड कम्युनिकेशन। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन तो देते वो अलग बात है, लेकिन जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का जो उम्मीद करता है लोफा साहब ये कर सकता है, तो उसे भी ज्यादा हम काम करेंगे। मैनिफेस्टो में अभी पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश करेगा हमारा कमेटी भी रहेगा, कैंपिंग कमेटी और हमारा एक आज का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये सब मिलके हम एक मैनिफेस्टो बैठकर, ये हम अकेला नहीं होगा कि लोगों का भी गाइडेंस एंड उसका सजेशन भी, क्योंकि एक मैं सिर्फ कॉन्सेंसस का, मैं पहले भी ऐसे अकाल भी ऐसे रहेगा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का सिर्फ एमएलए और लीडर नहीं रहेगा, मैं अरुणाचल का है और अरुणाचल के लिए काम करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी मेरा भी पूरा योगदान है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डेवलप करने में, वाइडनिंग करने में, मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं करता हूँ, असेंबली में भी मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिक्र नहीं करता। जितना भी मैंने असेंबली में
जो भी मुद्दा होता है अरुणाचल के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे अरुणाचल के लिए। हाँ, मेले को होने के बाद एक साल में तो नहीं होगा, तीन साल अंदर में पूरा चमक दमक तो नहीं बोलेगा, लेकिन लोगों को पूरा डिफरेंस महसूस होगा कि तानी लोफा आने से इतना डिफरेंस और बामा का समय में ये हालत था, ये हम जरूर डिफरेंस दिखाएगा। अलायंस में जाने का उम्मीद हूँ, लेकिन एक मैं तो वैसे बाय ब्लड बाय सोच विचार मेरा तो बीजेपी है। मैं 1999 में बीजेपी ज्वाइन करके काफ़ी बीजेपी को अरुणाचल में लाने में अरुणाचल में एस्टेब्लिश करने में, पहले तो कोई बीजेपी में थे नहीं, तो जब हम लोग कुछ ग्रुप हुए किरण जी और तपिर गांव साहब और कुछ चंद लोग है, तो हम लोग बीजेपी में अरुणाचल 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी को इसमें एस्टेब्लिश करने में काफ़ी मेहनत किया, तो पॉलिटिकल अप एंड डाउन के वजह से बीजेपी को बीच में छोड़ना भी पड़ा, लेकिन दिल से नहीं छोड़ा, तब दिल तो मैं बीजेपी का हूँ, तो इसलिए ऐसे विनेबल पोजीशन देख के बीजेपी का जो हमारा जो परिवार है, जो लोग हमको चाहने वाला लोग है, और अभी का जो नकली बीजेपी लोगों को छोड़ के हमको मैंने देने से तो हम लोग आराम से आम 29 भी हो सकता है, ये हालत है। तो जो स्टेट में कैसा प्रभाव हो रहा है इसका बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा और टाइम लगेगा उसको माइनस प्लस करने में। सर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा आपके बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे नो मैटर अबे टिकट मिले ना मिले, लेकिन सर दिल से हम बीजेपी है रहेगा, लेकिन बीजेपी में घुसने के लिए लो फिर भाई कमर लो कौन कौन लोग परमिशन नहीं है, तो जब तक चिटकिनी दरवाजा का चिटकिनी नहीं खुलेगा तो नहीं घुस सकता, लेकिन इसलिए मैं अपना जो अलायंस वाला जो क्योंकि हम दिल से मोदी जी को ये जो बड़ा बड़ा जो नेशन में जो देश के लिए काम कर रहा है उनको पसंद करता है दिल से, किसी को ऐसे विरोध नहीं है। यहाँ हमारा स्टेट का चुटपुट जो कुछ लीडर लोगों का वजह से हम लोग को बाहर करके रखा है, अदरवाइज हम बाय हार्ट और बाय मेरा विचारधारा सब बीजेपी है, इसीलिए मैं बीजेपी को कभी खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं बीजेपी को कभी खिलाफ नहीं बोलूंगा ना ही बोलेगा, जो इसीलिए अगर वहां से कुछ नहीं होता है तो मैं इसका अलायंस पार्टी से किसी न किसी से हम क्या लगता है आप कितने कॉन्फिडेंट रहेंगे? लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू लिया तब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, दो रिजल्ट जिस हिसाब से आपने सोचा था उस तरीके से टर्न आउट नहीं हुआ, इस बार कितना आप कॉन्फिडेंट है? क्योंकि अरुणाचल में नो डाउट सर आप भी एक्सेप्ट करेंगे, इतने यहां डाइस में बैठे वो भी एक्सेप्ट करेंगे, टिकट मैटर करता है अरुणाचल में ना, मैं किसी टिकट का हम कैंपिंग नहीं है, मैं अपना ब्रांड के तानी लोफा अच्छा आदमी है वो लोग हमको बोलता है, मैं कितना अच्छा मैं मालूम नहीं, लेकिन हर कोई मुझे अच्छा आदमी बोलता है, तो उसी मेरा अपना ब्रांड को का नाम से हम अभी कैंपिंग चल रहा है, किसी पार्टी टिकट से नहीं, इसलिए मैं अभी आज भी टिकट का बारे में किसी पार्टी का बारे में नहीं बोला, जस्ट अभी रेफरेंस लिया कि अरुणाचल का जो पोलिटिकल सीनेरियो को लेके अभी और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनेबल को दिखे अगर हाई कमान लोग ऐसे डिसीजन देने से ठीक है, ये एक हमारा तरफ से थोड़ा है वो जिक्र किया, अदरवाइज मैं पार्टी का टिकट को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी का टिकट को लेकर इस बार हम लोग कैंपेन नहीं कर रहे। सर आज के दिन में कई पोलिंग स्टेशन से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ढाका के आए थे, इवन पप्पू वेली के जो उनके प्रीवियस सपोर्टर थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो हमें समझ में आया जो उन्होंने कहा, तो इस बार क्या कहेंगे कितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जीत होगा कारण एक नंबर वन तो अपना जो सिटिंग मंत्री है वो लोगों का लीडर जैसे नहीं लगता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दो बार एमएलए जरूर बनाया गलती से मतलब हमने छोड़ दिया कि पब्लिक को आप लोग उसको तेज करके देखो हमको छोड़ के, तो अभी हमारा पब्लिक ने रियलाइज हो गया कि तानी लोफा ही अच्छा आदमी है और इन तो तोरा का दादागिरी है धमकीबाजी देता है, हम तो कभी किसी को धमकीबाजी या दादागिरी और
पब्लिक हमारा, पब्लिक तो हमारे लिए भगवान है, तो उसको हार्ट करना ही बेवकूफी है किसी लीडर ने आकर हार्ट करता है। तो इसलिए पब्लिक हमारा भगवान, तो भगवान को तो हमेशा प्रार्थना करना है, दादागिरी नहीं करना है। मैंने उसको चांस दिया है सर्विस देने के लिए। हाँ, आपकी तरफ से जितने भी जो 11 वेस्ट सेपा के जो वोटर्स है या फिर आपकी जो पब्लिक है, उन्हें आपकी तरफ से कुछ कहना होगा सर? पब्लिक आपने हम को चोर के एक लीडर को चुन के देखा है और आप उसको देख चुका है वो क्या चीज है और हम क्या चीज है। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा हमारा जनता को कि मेरा पास सबको वापस आइए, और बल्कि उनको भी रिक्वेस्ट करिए बैठने दो, मेरे जैसे बैठने दो। पहले जब 2014 में हमने बैठा ऐसे उसको भी बैठने दो, क्योंकि उनका जो ये लीडरशिप जो है काबिल एक्सेप्टेबल नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपको, आप पहले हमने ये सवाल किया था कि इलेक्शन में मनी कल्चर बहुत चलता है अरुणाचल प्रदेश में, हम लोग ने ये सुना कि आप बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था या है अभी भी, तो आप मनी कल्चर के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि अभी मनी कल्चर ही चलते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली मनी कल्चर तो नहीं होना, मनी कल्चर मतलब क्या है, कैश फॉर वोट एक तो वो गलत बात है, लेकिन जो मनी कल्चर का कौन सा मनी कल्चर, लेकिन इलेक्शन में तो पैसा तो लगता ही है, क्यों लगता है, हर दौड़ने वाला स्कूटी पकड़ता है मिनिमम, उसके बाद फॉर्चुनर स्कॉर्पियो डिफरेंट लेवल का गाड़ी पकड़ता है, इतना दौड़ रहा है, हमारे लिए दौड़ रहा है, खुद के लिए दौड़ रहा है, तो ऐसे में थोड़ा खर्चा होता है नंबर वन। नंबर टू अब पब्लिसिटी के लिए थोड़ा लगता है, पोस्टिंग बनाना, बैनर बनाना, ऐसे आज गैदरिंग हो तो भूखा में कैसे वापस भेजेगा, तो उसमें खिलाना पिलाना पड़ता है। तो ऐसे मनी कल्चर तो खराब बात है, लेकिन ये जो बोला है ना मनी कल्चर को अरुणाचल में बंद करने के लिए थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा चल तो रहा है, मतलब पब्लिक का सामने बोलेगा मनी कल्चर नहीं होना है, वही बोलता है फिर पीछे से पैसा देता है हमारा साथ सपोर्ट करो, ये तो चल रहा है। तो